नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट से जिसने इसराइल तो इसराइल अमेरिका के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। रिपोर्ट भी किसी और ने नहीं, अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी एजेंसी ने दी। रिपोर्ट यह है कि हमास ने गाजा के मलबे में मौत की भट्टी जला रखी है, एक ऐसी भट्टी जहां इसराइल के जितने भी सैनिक जाएंगे जान से हाथ धो बैठेंगे, ये यकीनन यहां पर तय माना जा रहा है। हमास के आखिर ये किस किलर जोन की बात हम यहां पर कर रहे हैं, आखिर वो किलर जोन है क्या, इसे जान लेना बेहद जरूरी है क्योंकि ये किलर जोन बहुत ही जानलेवा है। गाजा में घुसे इसराइल के कमांडो किसके निशाने पर हैं? इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड, ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इसराइल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन हैं। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं, इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे, आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इसराइल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा, एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गया ना ये सुनकर, ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वार प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इसराइल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इसराइल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इसराइल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने हवाई हमले के मलबे के नीचे विस्फोटक छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल हमास इसराइल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है। जब भी टैंक मलबे के करीब से गुजरेंगे, मलबे में जमा बारूद में विस्फोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है?
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों की माने तो इसराइल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। इसराइल गाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है, वहां हमास मौत का कुआं खोद रहा है। इसराइल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है, उसे हमास किल जोन में बदलता जा रहा है। एक ऐसा किल जोन जहां कदम रखते ही इजरायली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभेद कवर देने वाला है, जिसका इस्तेमाल कर हमास के स्नाइपर इसराइल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो गाजा में बिखरा मलबा इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन वाले मिशन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि हमास के स्नाइपरों के मलबे में छिपे होने के चलते इसराइली सैनिकों के लिए जमीन पर नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा और ये हमास के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमास ने गाजा में एक नहीं सैकड़ों किल जोन बना रखे हैं, जिसकी झलक इस सैटेलाइट तस्वीर में दिख जाती है। सीमा पर मौजूद दीवार को पार कर इसराइल की सेना जैसे जैसे गाजा में अंदर दाखिल हो रही है, वो हमास के बनाए किल जोन के और करीब पहुंचती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर में पीले रंग के जो तीर के निशान बने हैं, वो इसराइल के सैनिकों के गाजा में दाखिल होने वाले रास्ते हैं। लेकिन अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो ये रास्ते इसराइल के सैनिकों को हमास के किल जोन की तरफ ले जा रहे हैं। किल जोन नंबर एक, किल जोन नंबर दो, किल जोन नंबर तीन, किल जोन नंबर चार, किल जोन नंबर पांच, किल जोन नंबर छह, किल जोन नंबर सात, किल जोन नंबर आठ, किल जोन नंबर नौ, किल जोन नंबर दस, किल जोन नंबर ग्यारह, किल जोन नंबर बारह, किल जोन नंबर तेरह, किल जोन नंबर चौदह, किल जोन नंबर पंद्रह। इसराइल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इसराइल ने हमास के 450 ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। ऐसे में अगर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो इसराइल ने पिछले 24 घंटे में ही हमास को 450 किल जोन बनाने का मौका दे दिया है। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका, जहां इस वक्त इसराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इसराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गए। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह से कट चुका है। बीच में इसराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह से घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। यानी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों के मुताबिक गाजा की धरती पर बिखरे मलबे में हमास की सेना जमी हुई है। इस मलबे वाले इलाके में अगर इसराइल की सेना घुसी तो उसका सामना हमास के स्नाइपरों से होगा। इसराइल की सेना अपने मरकावा टैंक के साथ गाजा में दाखिल हो रही है। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है। जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है, लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। हमास की इस तैयारी को देखिए, ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है।
इसराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। हमास के स्नाइपरों का सबसे बड़ा मददगार हमास के हथियार बनने वाले हैं। उसका गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इसराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संतरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेंगी। सबसे असरदार हथियार हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइलें मरकावा पर मौत बनकर बरसेंगी और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर ये हमला गोरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद ये स्नाइपर इसराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर में इसराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार है। हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए और अब हिजबुल्ला को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया। उत्तर कोरिया और हिजबुल्ला के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ बाइडेन को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्ला का सबसे नया वीडियो लेबनन इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्ला के इस पिन पॉइंट अटैक ने इसराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्ला सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इसराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्ला के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडन दोनों पसोपेश में है। हिजबुल्ला ने लेबनन इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्ला ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनन में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1,00,000 से ज्यादा है। इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6,00,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب.
इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्ला हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्ला के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्ला के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है? ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने ये परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनन के मिलिशिया हिजबुल्ला के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्ला को हथियार भी देता रहा है, इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्ला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्ला को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात यूशार रॉकेट भी है जिससे हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्ला और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इसराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इसराइल हिजबुल्ला के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इसराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्ला ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास हैं। दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसके नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इसराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इसराइल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इसराइल के ड्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है। इसराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतेह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इसराइल को परेशान कर रही है। फतेह 110 की 2 और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इसराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। मैं ये सभी
على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو، قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतेह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी, ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they are not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. हिजबुल्ला का खतरा बहुत बड़ा है, ये इसराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्ला ने गियर बदला तो इसराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। जब हिजबुल्ला और हमास का डबल खतरा खड़ा हो गया है तो बाइडेन ने एक बहुत ही खतरनाक बम इजराइल भेजने का फैसला कर लिया। इस बम को दुनिया बालाकोट वाले बम के नाम से भी जानती है। अब इसे गाजा का नया बवंडर भी कहा जा रहा है, क्यों जरूर देखिए कच्चा चिट्ठा के जरिए। हमास का सफाया करने के लिए इसराइल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इसराइल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजराइल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजराइल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजराइल के हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजराइल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इसराइल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER, यानी एक्सटेंडेड रेंज, यानी ज्यादा रेंज।
गाजा पर बमबारी के लिए इसराइल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इसराइल के बम कम पड़ने लगे हैं, क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इसराइल के बम का गोदाम खाली हो चुका है। इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इसराइल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके दो समुद्री बेड़े इसराइल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इसराइल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इसराइल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है। इसराइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है, जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इसराइल के मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। अब रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है, जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का यह नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B-61-13 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा यह बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B-61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B-61-13 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा, सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के ज़ार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है। क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने ज़ार बम की ये प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है।